अपना बेटर वर्जन ना बनना तो बहुत से लोग चाहते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना बेटर वर्जन बनने के लिए एक्शंस भी लेते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 21 डेज का एक चैलेंज शेयर करने वाली हूं जिसमें कि मैं ऐसे सिर्फ कुछ हैबिट्स नहीं शेयर करूंगी कि इन हैबिट्स को आपको 21 डेज तक लगातार फॉलो करना है तो इससे आप अपना बेटर वर्जन बन जाओगे बल्कि मैं 21 डेज का एक एक्शन प्लान आपके साथ शेयर करूंगी ईच एंड एवरी डे का कि फर्स्ट डे आपको ऐसा करना है सेकेंड डे आपको क्या करना है थर्ड डे क्या करना है अगर आप सीरियसली और कंसिस्टेंटली इस ट्वेंटी एक्शन प्लान को फॉलो करो ना तो आई गारंटी

पॉजिटिव होगा हमारे माइंडसेट में एक पॉजिटिव चेंज आएगा तो डे वन में हमको करना है सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आपको थर्टी मिनट्स जर्नलिंग करनी है जर्नलिंग करने के लिए आप कोई भी एक नोटबुक ले सकते हो और आपको पेन लेकर या पेन से लेकर वहां पर सिर्फ थर्टी मिनट्स तक चुपचाप लिखते जाना है अपने बारे में कि आपको क्या चीजें पसंद है क्या चीजें पसंद नहीं है आपके कोर वैल्यूज क्या है आपके लिए लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रायोरिटीज क्या है लाइफ में कौन सा एरिया लाइफ का ऐसा है जिसको कि आप फिलहाल इम्प्रूव करना चाहते हो कौन से लाइफ के एरिया में आप क्या चेंजेस चाहते हो अपनी पर्सनालिटी में क्या चेंजेस चाहते हो तो अपने और अपनी लाइफ के हर एरिया से रिलेटेड ना आपको जो जो पता है वो आपको फर्स्ट डे थर्टी मिनट्स तक जर्नल कर लेना है अगर आप थर्टी मिनट्स से ज्यादा कर सकते हो तो भी आपको करना है क्योंकि ना बहुत बार हमको अपने बारे में क्लियरली पता ही नहीं होता कि हमारी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है तभी ऐसा होता है कि हम फोकस किसी और चीज़ पे करते चले जाते हैं प्रायोरिटीज हमारी लाइफ में कुछ और होती हैं और इसीलिए हम एक तरफ सक्सेसफुल हो भी रहे होते हैं तो भी हमको इनर हैप्पीनेस नहीं मिल रही जब हम क्लियरली देख लेंगे कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज हैं जिससे कि हमको रियल में हैप्पीनेस मिलती है तो हम ज्यादा उसके टू वर्ड्स एक्शन लेंगे तो फर्स्ट डे हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है डे टू में हमको कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन लिखनी है अपने आप से रिलेटेड फर्स्ट में हमने जो भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम हमको जो भी लगाना कि मेरी लाइफ में ये ये चेंजेस मैं चाहती हूँ ये बेटरमेंट चाहती हूँ ये एरियाज है जिनमें कि इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उनसे रिलेटेड क्या होता है कि मोस्टली हमारे माइंड में नेगेटिविटी है हमको वो ठीक नहीं लग रहे हैं एरिया तो हमको उनसे रिलेटेड ना पॉजिटिव एफर्मेशन लिख लेनी है और उनको लिखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कि ये चीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ये लगता है कि आपके यूट्यूब चैनल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको उसमें लिखना है कि धीरे धीरे मेरे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ हो रही है अगर आप फिटनेस की जर्नी पे हो और आपको लग रहा है कि फिलहाल अभी आप फिट नहीं हो लेकिन आप फिट होना चाहते हो तो आपको जो एफॉर्मेशन लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि मैं हर दिन पहले से ज्यादा फिट होती जा रही हूँ मेरी पर्सनैलिटी हर दिन पहले से ज्यादा बेटर होती जा रही है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एवरीडे इम्प्रूव हो रहा है जिस भी एरिया में आपको इंप्रूवमेंट लगती है कि आपको जरूरत है उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव एफॉर्मेशन लिखनी है क्योंकि जब आप उनको मन में रिपीट करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि आपका अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होना शुरू कर अपने ऊपर जो भरोसा है और जो लाइफ के ऊपर भरोसा है वो भी मजबूत हो जाएगा जिससे कि आप इस जर्नी में पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़ते रहोगे डे थ्री में आपको एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनानी है फिलहाल आपकी लाइफ में या आपको अपने आप से रिलेटेड जो भी चीजें ऐसी लगती है जिनके लिए की आप थैंकफुल हो जिनको कि आप ट्रेड नहीं करना चाहोगे उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए वो आपको चीजें चाहिए ही चाहिए हैं बाकी और चीजें जो लाइफ में आपको चाहिए आप चाहते हो कि उसी के ऊपर एड ऑन हो उसी के ऊपर वो बोनस हो फिलहाल जो वो चीजें हैं वो मुझसे कोई ना छीने तो वो कौन सी चीजें हैं वो वो चीजें हैं जिनके लिए आपको सबसे ज्यादा थैंकफुल होना चाहिए तो उन चीजों को आपको एक जगह लिखना है कहीं पे क्योंकि जब हम उनको लिखेंगे तो हमारा माइंडसेट और ज्यादा पॉजिटिव होता है हम इन हैप्पीनेस से बढ़ जाते हैं अबंडेंस की फीलिंग आती है हमारे मन में तो हमको उन सारी चीजों को एक लिस्ट पर बना के लिख लेना है और वो कुछ भी हो सकता है अगर आपको लग रहा है मैं ब्रीथ कर पा रही हूँ प्रॉपरली तो इसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना चाहिए बहुत से लोग हैं हॉस्पिटल में ऐसे एडमिट जो ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली हमारी दो आइज़ हैं वो दोनों ठीक हैं हमारी स्किन पे कोई इन्फेक्शन नहीं है कोई गंदी बीमारी नहीं हमको लगी है छत है हमारे सिर के ऊपर पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है कई किलोमीटर पैदल चल के जाना नहीं पड़ रहा पानी भरने के लिए कोई भी चीजें जो भी माइंड में आती है ना जो आपको लगता है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इनका तो होना ही होना जरूरी है उनकी एक लिस्ट बनानी है आपको थर्ड डे पे डे फोर पे आपको करनी है माइंडफुलनेस मेडिटेशन माइंडफुलनेस मेडिटेशन मतलब ये कि आपको दस मिनट के लिए एक जगह बिल्कुल शांत होकर बैठना है आइज क्लोज करके जहां पर कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे और आपको फोकस करना है बस प्रेजेंट मोमेंट पे आप ना तो मतलब जो भी थॉट आ रहे हैं उनसे परेशान नहीं हो रहा बस ऑब्जर्व करना है कि मेरे पास किस तरह के थॉट आ रहे हैं इस थॉट के आने से मैं कैसा फील कर रही हूं इस थॉट की जगह और अब कौन सा थॉट उसके साथ चलता चला गया तो बस उन थॉट को ऑब्जर्व करना है और बिल्कुल शांत रहना है आपको अपने थॉट से खुद को अलग करके ऑब्जर्व करना है तो दस मिनट तक जब आप ये करोगे ना तो देखोगे आपका सेल्फ के साथ कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होगा एक पीस आएगी आपके अंदर डे फाइव पे आपको अपने लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग बिलीव्स यानी कि आपके अपने आप

अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ प्रेजेंट में राइट एक्शंस लेके अपने लिमिटिंग बिलीव्स को ना आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो हमें हमारा बेटर वर्जन नहीं बनने देते और हमें हम राइट right एक्शन ही नहीं लेने देते हम उस रस्ते पे चलते ही नहीं है इस डर के मारे कि नहीं मुझसे तो ये होगा ही नहीं डे सिक्स और डे सेवन दोनों दिन हमने क्या करना है कि एक एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है डे सिक्स पे भी डे सेवन पे भी यानी कि, कि किसी और के लिए कुछ ऐसा काम की जब उनको खुशी मिले तो उनकी खुशी को देख हमें खुशी मिले बदले में ना हमें कोई प्रेस चाहिए हो ना हमें क्रेडिट चाहिए हो ना ही बदले में

मतलब इस दिन आपको जिससे भी मिलना है जो भी कोई आपसे बात करे तो उसकी बात को बहुत ध्यान से आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करके उसके एक्सप्रेशंस को उसके इमोशंस को ऑब्जर्व करना है और बहुत ध्यान से जेन्यन इंटरेस्ट शो करके उनकी बात को सुनना है क्योंकि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो ना तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक अच्छे लिसनर बनो जितना अच्छे से आप दूसरों की बातों को सुनोगे उतना ज़्यादा बात करने में दूसरों को आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है हर कोई क्योंकि अपनी बात करना चाहता है तो इसलिए डे एट पे आपको पूरा दिन इस बात पे फोकस रखना है कि जब भी आपसे कोई आप आकर बात करे तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनो ताकि वो अपनी बात को ज्यादा अच्छे से आपके साथ शेयर करे अपने सारे इमोशंस के साथ डे नाइन पे हमको करनी है एम्पथी एक्सरसाइज अगर हम अपने इमोशंस को पहले समझना चाहते हैं ना कि हम कैसे सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए हम कैसे इमोशनली स्ट्रांग बने तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम दूसरों के इमोशंस को समझना शुरू करें और इसके लिए जो एक्सरसाइज

आप देखोगे कि देखो ये पर्सन इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है और आपको खुद से ये भी पता चल जाएगा कि इस पर ऐसे नहीं करना चाहिए था ऐसे करना चाहिए था यानी कि आपका इमोशनल क्वेश्चन अपने आप से डेवलप होना शुरू हो जाएगा डे टेन पे आपको करना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि पास्ट में कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो किसी प्रॉब्लम में पड़े हो या फिर कोई गलती हुई हो आपसे तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि आप उसको कैसे बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते थे ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको उतनी नॉलेज नहीं थी इस वजह से आप नहीं कर पाए लेकिन आप देखोगे कि, कि आज आप बेटर तरीके से उसको जब इतना टाइम हो जाता है ना उसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो उसको दोबारा से जियो एक बार सिचुएशन को दोबारा से उसकी हर एक चीज को ऑब्जर्व करो और देखो कि आप उसको कैसे बेटर कर सकते थे चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड डिसीजन रहा हो चाहे करियर से रिलेटेड डिसीजन रहा हो आपके प्रोफेशन में आपने कोई सेल्स में की हो उससे रिलेटेड कोई डिसीजन हो कोई भी एक सिचुएशन जो है उसको आप दोबारा से अपने माइंड में रीप्ले करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो तो उससे क्या होगा कि आपके ना कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ेगी डे इलेवन पे आपको इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस करना है इसका मतलब यह है कि आपको पूरा दिन अपने इमोशंस को चेक में रखना है जब भी बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आए ना आपका कोई जैसे कि बहुत तेज गुस्सा आया या फिर बहुत ज्यादा रोने का मन किया बहुत इंटेंस इमोशन होते है कई बार खुशी का भी इमोशन बहुत इंटेंस होता है कि हम पागल ही हो जाते हैं खुशी से तो ऐसा कोई भी बहुत ज्यादा इंटेंस वेव होना जिस भी इमोशन की तो आपको उस टाइम पे पॉज करना है डीप ब्रीथ करना है और शांत करना है खुद को क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को बेटर तरीके से मैनेज कर पाए बल्कि पॉजिटिव को भी बेटर तरीके से हैंडल करना हमें आना चाहिए वो कहते हैं ना कि खुशी में खुशी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि हम पागल ही हो जाएं और दुख में इतना ज्यादा दुख नहीं होना चाहिए कि उस दुख से हम मर ही जाएं हमें एक बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए वो हम इस दिन प्रैक्टिस करेंगे सारा दिन अपने इमोशंस को चेक पे रखकर और उनको साथ के साथ ही बेटर तरीके से डाउन करके डे में आपको एक्सप्रेस करना है उन लोगों के टूवर्ड्स जिन्होंने कभी भी आपकी कोई हेल्प की हो या जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेकर आया हो ऐसे तीन लोग आपको आइडेंटिफाई करने हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है जिन्होंने आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आया या फिर जिन्होंने कभी आपकी बहुत अच्छी हेल्प की हो कोई ऐसा प्रोडक्ट भी हो सकता है उनको आपको थैंक्स कहना है फोन करके कह सकते हो मैसेज करके कह सकते हो कमेंट कर सकते हो किसी के यूट्यूब वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट किया हो तो या फिर आप कोई अच्छा प्रोडक्ट आपने खरीदा हो और वो बहुत ही अच्छा लगा हो आपकी लाइफ को बहुत बेटर बनाया हो उसने तो उस प्रोडक्ट का एक अच्छा सा रिव्यू पोस्ट कर सकते हो आप उसकी साइट पर जाकर अमेजॉन से बाय किया है तो वहां जाकर पोस्ट कर सकते हो उसका अच्छा सा रिव्यू इससे ना एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन का एक्सचेंज होगा यूनिवर्स में पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेंगे क्योंकि आप थैंकफुल हो रहे हो और सामने वाले पर्सन हैप्पी हो रहा है उस थैंक्स की वजह से आप भी खुश हो अंदर से सामने वाला पर्सन को और बूस्ट मिल गया और अच्छा काम करने के लिए और इससे जो हमारा माइंडसेट है ना वो भी पॉजिटिव हो जाता है लाइफ के टूवर्ड जहां हम सोचते रहते हैं कि सारी दुनिया बेकार है कोई किसी के काम नहीं आता वो सोच जो है जो सोसाइटी ने हमें दे रखी है उस सोच को भी हम खुद से काउंटर करना शुरू कर देते हैं जब हम जो एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं उनके टूवर्ड्स डाटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं डे थर्टीन में ना आपको किसी के साथ भी कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करनी है यानी जनरल इधर उधर की बातें नहीं और क्या हाल चाल है क्या चल रहा है ये नहीं कुछ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन का या मतलब यानी कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक हाँ सामने वाले से पूछ सकते हो कि उनको किस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछो ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े उस एरिया से रिलेटेड और जब हम ऐसी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हैं ना क्वेश्चन पूछते हैं जो भी बात है उससे रिलेटेड सामने वाला जो बात कर रहा है उससे रिलेटेड और जानने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं डे फोर्टीन में ना आपको अपना बात करते हुए एक जनरली किसी से भी बात करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और फिर उसको ऑब्जर्व करना है कि आपको वो कैसा लग रहा है देखकर कि क्या आप उसको बेटर करना चाहते हो कैसे बेटर कर सकते हो आपको उसमें क्या चेंजेस जब आप देखोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि उसमें आप क्या चेंज लाना चाहते हो आपको ऐसा लग रहेगा कभी कि आप बहुत तेज बोल रहे हो तो आपको लगेगा मुझे थोड़ा स्लो बात करना चाहिए किसी से बात करते हुए मुझे थोड़ा स्माइल करनी चाहिए किसी से बात करते हुए मुझे उनकी तरफ ज्यादा देखना चाहिए मुझे बहुत लाउड बोल रही हूँ मैं थोड़ा धीरे बोलना चाहिए था आराम से बात करनी चाहिए थी तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स हम अपने लिए डिजाइन कर लेते हैं अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रोग्राम कि हमको कैसे अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है खुद से नहीं समझ में आया तो आप अपने फैमिली या किसी फ्रेंड या किसी बहुत अच्छे जो आपके क्लोज हो उनके साथ शेयर करके उनसे पूछ सकते हो कि आ, उनको क्या लगता है कि आपको अपने बात करने के तरीके में क्या चीज इम्प्रूव करने की जरूरत है वीक थ्री में हम फोकस करेंगे अपने कॉन्फिडेंस लेवल और अपनी ग्रोथ पे तो वीक थ्री के डे वन और ओवरऑल चैलेंज के डे फिफ्टीन में हम फर्स्ट डे क्या करना है कि अपनी पूरा दिन अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको ऑब्जर्व करना है जब भी दिन में ध्यान आए हमें अपनी जो बैक है उसको स्ट्रेट कर लेना है शोल्डर्स को इस तरीके से रोल करके पीछे ले जाकर नीचे छोड़ देना है ताकि बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे शोल्डर स्ट्रेट रहे हमारे आई कांटेक्ट मेंटेन करके हमें बात करनी है जिससे भी करनी है फेस पे हमारे हल्की सी स्माइल होनी चाहिए और हमें अपने हैंड्स के जेस्टर्स को यूज करना है बात करते हुए यानी कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करें कि हम जब बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है जितनी हमारी ओपन बॉडी लैंग्वेज होगी उतने ज्यादा हम कॉन्फिडेंट अपेयर होते हैं और जितनी ज्यादा हमारी कोज क्लोज बॉडी

अब उससे क्या होता है कि हम वहीं के वहीं रह जाते हैं हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती कंफर्ट जोन से हमको जैसे कि अगर हम फिट होना चाहते हैं तो अब वर्कआउट नहीं करो आराम से सोते रहो बहुत मजा आएगा लेकिन अगर सुबह उठोगे थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट होगा लेकिन क्या होगा कि वर्कआउट करोगे एक्सरसाइज करोगे तो जो आप बनना चाहते हो वो आप बन पाओगे वो कोई डर भी हो सकता है वो लेजीनेस भी हो सकती है वो कुछ भी प्रोकास्टिनेशन की आदत भी हो सकती है तो थोड़ा सा हमें जो तंग होना पड़ता है ना अपनी ग्रोथ के लिए उससे फ्रेंडशिप करनी है कि अगर हम थोड़ा सा तंग होंगे तभी हम अपना बेटर वर्जन बन पाएंगे तो डे सिक्सटीन पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी बैड हैबिट है जिसको कि आप छोड़ नहीं पा रहे हो जिसको कि अगर आप छोड़ दो और उसके बदले में आप दूसरी जो बेटर हैबिट है उसको डेवलप कर लो तो आपकी लाइफ आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करना और इस दिन फर्स्ट स्टेप भी ले लेना है आपको जैसे कि आपको लग रहा है कि आप यूट्यूब वीडियो बनाना चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है अंदर से कि लोग क्या कहेंगे मेरी शक्ल अच्छी नहीं है मुझे बोलना नहीं आता मुझे समझाना नहीं आता तो इस दिन आपको फर्स्ट स्टेप लेना है और अपना एक यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करके चाहे थर्टी सेकेंड्स का अपलोड कर देना है आप और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर दो 15 सेकंड्स की बना के वर्कआउट करने का मन करता है सुबह डेली उठने का मन करता है लेकिन नींद बड़ी प्यारी लगती है सुबह की ठंडी ठंडी तो इस दिन आपको सुबह एटलीस्ट 15 मिनट जल्दी उठना है एक छोटा सा स्टेप आप बाहर निकालो अपने कंफर्ट जोन से जो सर्कल बना रखा है कंफर्ट वाला छोटा सा स्टेप आप बाहर निकालो तो धीरे धीरे आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आप ना पूरा अपने आप को बाहर लेकर आ सकोगे धक्का मार के थोड़ा सा डिसकंफर्ट सह के और अपने बेटर वर्जन बन पाओगे जैसे

कुछ भी नया सीखना है आपको आपको आज के दिन, पे आपको अपने confidence लेवल को और अपने सेल्फ स्टीम को हाई करने के लिए अपनी जितनी भी अचीवमेंट्स हुई हैं उनकी लिस्ट बनानी है और उनको देखकर खुश होना है अपनी पीठ थपथपानी है साथ ही साथ जो आप इतने दिन आगे चलते आए हो उनमें से जो जो चीजें आपने कर ली हैं उनके लिए भी खुद को प्रेज करना है आपको कि आपने इतने सारे स्टेप्स ले लिए अपने आप को बेटर बनाने के लिए अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम दूसरों को तो फिर भी थैंक्स कह देते हैं अपनी हेल्प करने के लिए लेकिन खुद को कभी नहीं करते अपने आप को हेल्प करने के लिए तो इस दिन हमें खुद को सेलिब्रेट करना है अपने आप को भी अपनी सक्सेस के लिए क्रेडिट देके डे नाइनटीन में आपको कुछ भी क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है जिसको करना आपको बहुत अच्छा लगता हो आप पेंटिंग कर सकते हो डांसिंग कर सकते हो कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हो कलरिंग कर सकते हो कुछ ड्रॉ कर सकते हो कोई भी ऐसी हॉबीज जो

को आप अपनी लाइफ में फिर से और ज़्यादा चाहते हो कि आप डेली फॉलो करो अपनी पूरी जर्नी पे रिफ्लेक्ट करना है, एक बार पूरी जर्नी से गो थ्रू होना है उसको आपने। वन पे आपको क्या करना है कि अब आगे की अपनी लाइफ के लिए नए गोल सेट करने हैं खत्म नहीं हो गई है पर्सनल ग्रोथ की जर्नी ट्वेंटी वन डेज के बाद अब आप जो ट्वेंटी एक नया पॉजिटिव चेंज अपने अंदर फील कर रहे होगे ना उसको आपको मेंटेन करके रखना है तो यहां से आपकी जर्नी की शुरुआत हो गई है लेकिन इस जर्नी पे आपको चलते ही रहना है तो आपके नए गोल सेट होंगे इस चैलेंज से आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा बहुत ज्यादा कि बहुत सारी हैबिट्स कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जिनको कि आप फॉलो करना चाहते हो अपने लाइफ में क्या क्लियर गोल्स आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या वो चीजें हैं जो आपको लाइफ में एक्चुअली हैप्पीनेस देती है उनसे रिलेटेड गोल्स आपको सेट करने हैं और जब आप ऐसा कर लोगे ना फिर आप देखोगे कि आप हर दिन अपने आप को अपना बेटर वर्जन बनाते जाओगे तो अगर आप ये 21 डेज का चैलेंज लेने वाले हो तो कॉमेंट सेक्शन में टाइप yes, करके जरूर बताना ताकि बाकी और लोगों को भी पता चले कि और कितने लोग ऐसे हैं जो उनके साथ इस 21 डेज के बेटर वर्जन बनने वाली जर्नी को शेयर कर रहे हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन स्माइलिंग नमस्ते